नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो के अंदर। तो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे इसकी सीट के बारे में। तो इसकी सीट जो है फिलहाल टूट चुकी है, इसको कैसे ठीक करते हैं, और अगर आपके ट्रैक्टर की सीट जो है सही प्रॉपर तरीके से जंप नहीं कर रही है या टूट चुकी है या कुछ ठीक करना है तो वो किस प्रकार से करते हैं, वो सब आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसकी हालत बताते हैं। इसके अंदर सीट के पीछे की तरफ ये दो रोलर होते हैं जो कि टूट के और निकल चुके हैं, पूरे तरीके से ख़राब हो चुके हैं। उसके बाद देखिए क्या हालत हुई है इसके, ये देखिए वो दोनों रोलर यहाँ पर लगे होते हैं दोनों साइड में, और यहाँ से टूट के पूरी सीट जो है बिखर चुकी है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर ऐसी कंडीशन हो तो सबसे पहले आपको सीट को नीचे उतारना है। उसके लिए नीचे दो बोल्ट होते हैं, एक ये और एक ये पीछे, इन दोनों को खोल के सीट को नीचे उतारते हैं। सभी नट खुलने के बाद जो है आपको पावर केबल जो है इसकी अलग करनी होगी। सबसे पहले जो है इंप्लीमेंट की केबल को हटाते हैं, उसके बाद ये जो इसकी केबल है इसके सॉकेट को यहाँ से निकालना पड़ेगा इस तरफ से। अब इसके बाद सीट को उठा के और नीचे उतार लेंगे। सबसे पहले इस सीट को पूरी को हमें खोलना है। इसके लिए इस साइड के ये जो नट होते हैं इनको खोलेंगे, और ये नीचे की रोड होती है इसको बाहर निकाल देंगे। ऐसा करने के बाद ये पार्ट अलग हो जाएगा और आगे वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, अपने इस प्रकार के ये जो रबड़ होते हैं गोल जो बोल होती है ये इसके अंदर यहाँ पर लगी रहती है, इसमें इस प्रकार से लगी रहती है, और ये जो है अंदर की साइड यहाँ पर फिक्स होते हैं इसके अंदर। जब बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है या कई बार ये घिस जाती है इस तरीके से, जैसे यहाँ से टेढ़ी घिसी हुई है, उस चक्कर में क्या होता है ये निकल जाते हैं और सीट जो है इसके साथ लगती है, जिस वजह से जंप भी नहीं करती। सबसे पहले साइड के दोनों इन नट को खोलना है, आसानी से खुल जाएंगे वरना यहाँ पर अंदर चाबी लगेगी 17-18 नंबर की, उससे खुल जाएगा। और उसके बाद नीचे की तरफ की ये रोड होती है इसको आपको निकालना है। ये दोनों नट खुलने के बाद ये हिस्सा जो है अपना अलग हो जाएगा, इसको रखते हैं साइड में। ये अपनी सीट का बेस है और अब बच गया ये सब कुछ अपने पास। तो अपने को सिर्फ इस हिस्से को रिपेयर करना है। इसके लिए सबसे पहले इसको अलग करते हैं, ये शोकर वगैरह यहाँ से जो अपने अलग हो चुके हैं, इसमें ये हिस्सा अलग हो गया। तो अपना बेस अलग हो चुका है, इस हिस्से को अपने को खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ठीक है। अगर आपको इसके बुश वगैरह ये चेंज करने हैं, रबड़ के जो बुश होते हैं, तो आपको ये दोनों रोड निकाल के और यहाँ की पिन निकाल के इसको निकाल लेना, बुश चेंज हो जाएंगे। और ये अपना ऊपर का हिस्सा है जो कि अपना रिपेयर होगा। तो इसके अंदर जब हम इस नट को पूरा लूज़ कर लेंगे तो इसके अंदर जो अपने स्प्रिंग वगैरह है वो सब निकल जाएंगे। ये देखिए ये हिस्सा जो है अपना पूरा अलग हो गया, और इस तरफ स्प्रिंग वगैरह ये अपने जो है पूरे अलग हो गए। ये अपना शोकर है। आपके ट्रैक्टर में सीट कुछ इस हिसाब से जो है लगी होगी, ये अंदर की तरफ जो है रोलर अंदर इस तरीके से लगे होंगे दोनों साइड। अब इस सीट को सारे स्प्रिंग और शोकर निकलने के बाद निकालना कैसे, जैसे हम इसको ऐसे उठाते हैं तो ये फंस जाएगी यहाँ पे, क्योंकि इसमें नीचे की तरफ यहाँ पे लॉक होता है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसको ऊपर उठाना है और इस तरीके से पूरा इसको टेढ़ा करना है एक तरफ, इस तरीके से ये बाहर निकल जाएगा। जब इसको टेढ़ा करते हैं तो एक साइड बिल्कुल फ्री होती है, यहाँ से जो है ये रोलर बाहर निकल जाता है और दूसरी साइड इसमें लॉक लगा होता है। अब इसे ठीक करने के दो तरीके होते हैं, एक तो इन रबर बुश को यहाँ से निकाल दें, इन रोलर को निकाल के यहाँ पे जो है बेयरिंग बेल्ट करवा दें दोनों साइड, और दूसरा है इन्हें वापस डाल दें। तो आगे बताएंगे इनको किस तरीके से आपको ठीक करवाना है। तो ये अपना पुराने वाला शोकर है, शोकर को किस प्रकार से आपको चेक करना है, शोकर को आप इस तरीके से कीजिए। ये देखिए शोकर एकदम आसानी से अंदर बाहर हो रहा है, इसका मतलब ये शोकर जो है ख़राब हो चुका है। ये बिल्कुल दोनों तरफ टाइट रहना चाहिए। तो इसको करेंगे हम चेंज, और ये अपना नया शोकर है। ये देखिए ये बड़ी मुश्किल से खुलेगा, पूरा जोर लगाने पर खुल रहा है और पूरे जोर लगाने पर यह बंद हो रहा है। तो इसका मतलब ये शोकर बिल्कुल सही है, ये अपना वैसे भी नहीं है, ये तो सही होगा। तो इसको लगाएंगे अब हम ट्रैक्टर के अंदर और इस पुराने शोकर को चेंज कर देंगे। तो सीट के अंदर हमने क्या चेंज किया है, यहाँ पे जो रबड़ की लगी हुई थी बोल्स उनको निकाल दिया। पहले जो है इस तरीके की बोल्स जो है यहाँ पर लगी हुई थी, कंपनी से भी इसी तरीके की लगी हुई आती है,
पर ये कामयाब नहीं होती, ये घिस जाती है, इस वजह से यहाँ से घिस जाती है, अंदर से बुश ख़राब हो जाता है। तो इसके जगह पे अब हमने लगा दी बेयरिंग। तो इसके अंदर ये जो रोड है, अंदर की ये वाली रोड होती है, इसके ऊपर 6201 नंबर का बेयरिंग लगेगा। ये बिल्कुल जो है अपनी इसके अंदर जो चलने की जगह होती है, इसके अंदर एकदम बिल्कुल फिक्स आता है। यहाँ पर बेयरिंग लगा देंगे तो अपनी सीट जो है और ज़्यादा बढ़िया तरीके से जंप करेगी और अच्छे तरीके से काम करेगी। तो अब इसको करते हैं वापस से फिर से सेट। सबसे पहले शॉकर को लगाते हैं। शॉकर की प्राइस जो है 250 रुपये पड़ेगी आपको। इसके लॉक को लगा देते हैं फिर से। अगर आप ये बेयरिंग लगवाते हो, शॉकर ख़राब है, तो ये बेयरिंग आपको बिल्कुल और ज़्यादा तंग करेंगे, क्योंकि सीट एकदम से नीचे जाके लगेगी। सबसे पहले आपको इसके अंदर स्प्रिंग को सेट करना है। इस तरीके से स्प्रिंग सेट होंगे। इसके बाद इसके अंदर सीट को आपको लगाना है ऊपर ऊपर के अंदर। सीट में लगाने के लिए सबसे पहले जो ये अपनी लॉक की साइड है, इस साइड को आपको सबसे पहले इसके अंदर डालना है। इस साइड को डालने के बाद बिल्कुल इसको टेढ़ा करके और दोनों साइडों को अंदर करना है। ये अपनी सीट सेट होगी। अब इसके बाद आपको जो है इसके स्प्रिंग को लगाना है। स्प्रिंग को लगाने के लिए इसको बिल्कुल उल्टा कर लेंगे। तो अब आपको इस तरीके से स्प्रिंग सेट करने हैं और इनको यहाँ पे लगा देना। इधर वाले को और लगा देंगे। तो इस तरीके से अपने दोनों स्प्रिंग जो है इसमें लग चुके हैं। अब इसके बाद शॉकर के यहाँ पे जो क्लिप लगती है उसको लगाएंगे। यहाँ की रोड को लगा के शॉकर को पूरा बाहर की तरफ खींच लें। अपना शॉकर बाहर आ गया, इसके अंदर की रोड को लगाएंगे। जब भी आप स्प्रिंग लगा रहे हो उस टाइम ध्यान रखें, जो अपना वेट कंट्रोल करने का ये जो है अपना नट, इसको पूरा लूज रखना है। इसके अंदर जो नट होता है, जो कि अपने को बताता है कितना लूज है, ये पूरा नीचे होना चाहिए, तभी जो है स्प्रिंग ढंग से लगेंगे, वरना स्प्रिंग ढंग से नहीं लगेंगे। नीचे का इसका बेस है, इसको आपको लगाना है इस तरीके से, और फिर इसके अंदर जो आपको इस रोड को लगाना है। ध्यान रखें शॉकर वगैरह जो है बिल्कुल एकदम सीध में हो जब इसको लगा रहे हो आप। तो अब हमने इसकी ये वाली रोड भी लगा दी, नीचे की रोड भी लगा ली। अब इसको करते हैं बिल्कुल सीधा। जब भी आप इसको लगा रहे हो ध्यान रखें इसकी जो भी रोड वगैरह है उसके अंदर शॉकर वगैरह सारे पॉइंट लग गए हैं। अब इसके बाद आपको ये रोड लगने के बाद इसकी जितनी हाइट है उस जगह पे इन सुराख के अंदर जो आपको नट लगाने हैं, लाइन उठाई ऊपर, जितनी आपको सीट की हाइट चाहिए उतना ऊपर करके और इसके अंदर नट टाइट कर देंगे। चक्रे वापिस नीचे। हमारी सीट की हाइट जो है यहाँ पे लगी हुई थी, इसको इसी के अंदर लगा देंगे। इस नट को आपको पूरा टाइट करना है, ये इसके अंदर सेट हो जाएगा। इसी सेम तरीके से दूसरी साइड भी करेंगे। दूसरी साइड भी है सेम, इसी जगह पे अपने इसको नट को लगा देंगे। तो दोनों साइड के नट जो हमने टाइट कर दिए, अब अपनी सीट जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सीट का कवर भी जो है हम अभी लगा के लेके आ चुके हैं इसके ऊपर। दोनों साइड से नट टाइट कर दिए, इस रोड को भी लगा दिया, नीचे की यहाँ की रोड को लगा दिया। शॉकर वगैरह एकदम अच्छे तरीके से सेट है और ऊपर जो है अपने बेयरिंग भी लग चुके हैं। नीचे की साइड से देखिए एकदम बिल्कुल शॉकर वगैरह अच्छे तरीके से सेट है। अब बारी है इसको ट्रैक्टर पर लगाने की। तो सीट को हमने कर दिया ट्रैक्टर पर अच्छे तरीके से सेट। अब इसके नट बोल्ट टाइट करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे इसकी फाइनल सेटिंग किस प्रकार से करनी है, इसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है। अगर आपको हाइट एडजस्ट करनी है तो सीट के इस नट को खोल के इसमें लगा दोगे सीट ऊपर हो जाएगी, इस नट को लूज करके इसमें नीचे कर दोगे तो सीट नीचे हो जाएगी, इससे हाइट एडजस्ट हो जाएगी। वेट एडजस्ट करने के लिए अपने पास ये जो है इससे वेट एडजस्ट होगा। अंदर आपको एक पिन दिख रही होगी, इस पिन को जितना ऊपर लाएंगे उतना हाई वेट पर सीट सेट हो जाएगी। अगर ज़्यादा जोर पड़ने पर सीट नीचे की तरफ टिक रही है तो इसका मतलब है वजन को बढ़ाने की लोड है। तो आपको इस हिसाब से जो है इसको टाइट करते रहना है। 120 केजी तक इसके ऊपर आपको नंबर दिए भी हुए हैं, 120 केजी तक सेट कर सकते हैं। जहाँ पर आपको लगे एकदम बढ़िया जंप दे रही है उस जगह पे नट को जो है टाइट करके रखें। जैसे अभी देखिए आप, इसमें अभी सीट बिल्कुल नीचे है, जैसे हम इसके ऊपर बैठ रहे हैं ये बिल्कुल नीचे जाके लग रही है। अब इसके नट को करते हैं टाइट। सीट को हमने अच्छे से एडजस्ट कर दिया है, वेट को जो है लगभग
अपने 65 के आसपास रखा है, क्योंकि इसके अंदर ऊपर बेरिंग लग जाते हैं तो सीट ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, इसलिए वेट को कम पे रखा है। हाइट हमने मिड पे रखी है। सीट अच्छे तरीके से सेट हो चुके हैं, शोकर प्रॉपर जो है अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। सीट जो है कवर भी हमने अच्छे तरीके से लगा दिए हैं। इस तरीके से आप भी अपने ट्रैक्टर की सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। कुछ भी इसके अंदर ऊपर के जो अपने रबर के बुश वगैरह थे वो ख़राब हो जाए, वो किस प्रकार से बदलते हैं सब आपको वीडियो में बता दिया। फिर भी कुछ जानना हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।